दुर्लभ कश्यप कहता था कि भीख मांगने से अच्छा है कि गुंडा बनकर अपना हक छीन लो, और अपने जिंदगी में वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन हम तो इसे सही नहीं कहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। कभी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आतंक का पर्याय बन चुके दुर्लभ कश्यप की एक और कहानी हम आपके सामने लेकर आए, जिसे आपने शायद ही सुना हो। ये तो आप सभी को पता है कि दुर्लभ कश्यप कौन था और वो क्यों इतना ज्यादा मशहूर हुआ। अगर नहीं पता है तो हम फिर भी आपको बता देते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे उस कांड के बारे में जो दुर्लभ कश्यप को अपराध की दुनिया में झोंकने में अहम रोल अदा किया था। दरअसल जब दुर्लभ कश्यप पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसने पहले तो अपनी एक गैंग बनाई, एकदम अपनी ही उम्र के लड़कों को लेकर, जो काफी ज्यादा सोचने और डराने वाला भी था, क्योंकि आमतौर पर इस उम्र में को अपने कैरियर बनाने की चिंता होती है और साइकिल से स्कूल जाते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप ना तो अपने कैरियर की चिंता करता था और ना ही साइकिल से स्कूल जाने की, वो तो अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था, और एक से बढ़कर एक मोटरसाइकिल उसके पास थी और उसके गैंग के लोगों के पास भी। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं और चर्चा करते हैं दुर्लभ कश्यप के उस कांड के जिसने उसे बहुत जल्दी फेमस कर दिया। दरअसल ये घटना है साल 2017 की, जब दुर्लभ कश्यप जुर्म के दुनिया में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, और आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उस समय वो नाबालिग भी था। उस समय उसका स्कूल टाइम का एक दोस्त हुआ करता था, हालांकि वो स्कूल में उसका सीनियर था, लेकिन फिर भी दुर्लभ कश्यप का वर्चस्व इतना था कि गैंग में वही सबसे ज्यादा पावरफुल था। दुर्लभ कश्यप के जिस दोस्त की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था पीयू बॉक्सर। जिस तरह दुर्लभ पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, उसी तरह से उसके दोस्त पीयू बॉक्सर पर भी कई तरह के संगीन मामले दर्ज थे। इन दोनों ने मिलकर उस समय उज्जैन के सबसे खतरनाक गोलीकांड को अंजाम दिया था, जिसे उमर खान गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। उस समय दुर्लभ कश्यप और पीयूष बॉक्सर की पूरे उज्जैन में बहुत ही ज्यादा दहशत हो गई थी। हालांकि इस गोलीकांड को अंजाम देने के बाद इन दोनों ही गैंगस्टरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसमें पीयूष बॉक्सर को 1 साल की सजा हुई थी, जबकि दुर्लभ कश्यप को आसानी से जमानत मिल गई थी। दुर्लभ कश्यप को जमानत इसलिए जल्दी मिल जाती थी क्योंकि कहा जाता है कि वो पैसों से भी काफी ज्यादा मजबूत था, जबकि उसके गैंग के कुछ लोगों को छोड़कर सभी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। तो क्या शहनवाज ने उमर खान का बदला लेने के लिए दुर्लभ कश्यप की हत्या तो नहीं की थी, क्योंकि कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप और शहनवाज की दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी थी। आपको क्या लगता है शहनवाज का मेन मकसद क्या था, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।